बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ डीजी खान के साथ आपका मेज़बान आसिफ अवाद आपके साथ मौजूद। आज हम मौजूद हैं कादरिया क्रिकेट ग्राउंड में, डेरा गाजी खान का एक और क्रिकेट वेन्यू, जहां पर सबसे ज़्यादा क्रिकेट हमेशा की तरह होती रहती है। और आज भी इस ग्राउंड में एक बेहतरीन किस्म का टूर्नामेंट हो रहा है, आल पाकिस्तान सजाद सज्जी मेमोरियल T20 टूर्नामेंट। ये आल पाकिस्तान बुनियाद पर खेला जा रहा है, जिसमें डेरा गाजी खान के अलावा पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ टीम्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस टूर्नामेंट के सरपरस्त आला सैयद इस्माइल शाह साहब हैं, और इस टूर्नामेंट में डेरा गाजी खान से लेके पूरे पाकिस्तान से टीम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। बात करें अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स में, तो पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी में इमरान रफ़ीक ज़करिया क्रिकेट क्लब से, और अताउल्ला जो कि आज के मैच में दायरा दीन पनाह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज का मैच दायरा दीन पनाह मुकाबला कर रही है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डेरा गाजी खान का। इस ग्राउंड में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो अपनी नेट प्रैक्टिस भी करती हैं, और नेट प्रैक्टिस के साथ साथ ऐसे समझ लें कि इस ग्राउंड ने तकरीबन पूरा डेरा गाजी खान की जो क्रिकेट है उसका बेड़ा उठाया हुआ है। और साथ ही साथ इस ग्राउंड की खूबसूरती, और साथ ही साथ हम ज़रूर मुबारकबाद पेश करेंगे इस टूर्नामेंट के सरपरस्त आला सैयद इस्माइल शाह साहब को, कि उन्होंने इस ग्राउंड को खूबसूरत बनाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। और अगर हम आपको अपनी बैक पर दिखाएं, तो इतनी माशाल्लाह बेहतरीन पोस्टर्स आवेजा हैं, जिसमें इस टूर्नामेंट के जो जितने भी स्पोर्टरान हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, और साथ ही साथ वो तमाम कैप्टन जो हैं टीमों के, उनके जो पिक्चर्स हैं वो दीवारों पर आवेजा की गई हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट जिसे हम कह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज़ किया है जनाब सैयद इस्माइल शाह साहब ने, जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं। साथ ही साथ अंपायरिंग पैनल है इस टूर्नामेंट में, बहुत ही जिसे हम क्वालिटी फुल टूर्नामेंट कह सकते हैं, ये वो टूर्नामेंट हो रहा है। आज हमारे चीफ इस वीडियो में, इस हमारे इस शो में जो छोटा सा हमारा होगा, इसमें जो हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे पाकिस्तान ए के प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, राजनपुर से उनका ताल्लुक अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके पास आपको लेके चलते हैं उनके डग आउट में, और उनसे करते हैं बात। हाँ जी, हम पहुँचे हैं दायरा दीन पनाह जो क्रिकेट क्लब है उनके डग आउट में, और हम आज आपका आपसे बात करवाएंगे अताउल्ला से, जो कि पाकिस्तान ए के प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया, और आज के मैच के हवाले से बात करेंगे और इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे। जी, हम पहुंचे हैं दायरा दीन पनाह के डग आउट में, हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्ला, पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में मैच खेला, आज पहुंचे हुए हैं कादरिया क्रिकेट ग्राउंड में, दायरा दीन पनाह क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और आज माशाल्लाह आपका अच्छा मैच यूनाइटेड क्रिकेट क्लब से, और कैसा देख रहे हैं टूर्नामेंट को, कैसा देख रहे हैं अपनी टीम को, और कैसा देख रहे हैं इस मैच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फर्स्ट टाइम दीन पनाह से हार्ड बॉल खेल रहा हूँ, टेट बॉल तो उनसे खेलता रहता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है टूर्नामेंट का। और खुशी की बात यह है कि हमारे जो राजनपुर के लेजेंड हैं सज्जाद चांडिया, जो मरहूम फौत हो गए हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनके नाम से लीग हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और मुझे पहले पता नहीं था कि ये लीग हो रही है, तो जब मैंने देखा बोर्ड पे तो उनकी तस्वीर लगी हुई है, उनका नाम यूज़ हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इस लीग का हिस्सा बनाऊँ। और इस्माइल शाह को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये टूर्नामेंट सजाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसे। उसके बाद मैं जो जिस मेन पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारे जितने भी हैं हमारे प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीम्स से खेल रहे हैं, आज आपने मैच खेला यूनाइटेड क्रिकेट क्लब एक नई टीम है, तो कैसा देखा यंगस्टर को ग्राउंड में? अच्छी बात है, यंगस्टर खेल रहे हैं तो हमें भी खुशी होती है यंगस्टर को देख के, जितने यंगस्टर ग्राउंड में आते हैं, और ये सारा क्रेडिट उन
क्रिकेट प्रमोटरों को जाता है जो यंग शो को ग्राउंड पे लेते आते हैं और इस तरह के इवेंट कराते हैं। यूनाइटेड यंग टीम है, अच्छी टीम है, अच्छा खेली है, बस थोड़ा बहुत उनकी जो हमने बॉलिंग किया तो कंडीशन से फायदा था या जिसकी वजह से उनकी बैटिंग तो स्कोर नहीं कर सकी। तो ओवरऑल जितने भी यहाँ भी यंग प्लेयर खेल रहे हैं तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने यंग प्लेयर अपनी मेहनत करें और अपने जहाँ से भी खेल रहे हैं उनका नाम रोशन करें। लास्ट क्वेश्चन होगा, इस सीज़न में आपको नहीं देखा कहीं से भी, पिछला सीज़न आप खेले साउथर्न पंजाब से खेले, इससे पहले आप स्टेट बैंक की आपने नुमाइंदगी की, नेशनल बैंक की नुमाइंदगी की, इस सीज़न में आप डोमेस्टिक में नज़र नहीं आए, क्या कोई फिटनेस प्रॉब्लम थी या अभी हार्ड वर्क जारी है, फ्यूचर प्लान क्या है, उस हवाले से अगर आप माइंड ना करें तो हमें कुछ थोड़ा सा इस हवाले से भी अपने व्यूअर्स को बताएं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि हार्ड वर्क की भी ज़रूरत है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। थोड़ा ये है कि टीम से ड्रॉप हो गए हैं, साउथ पंजाब से खेले थे, इस दफ़ा नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीज़न होगा मेहनत जारी रखेंगे, इंशाल्लाह नाम आएगा। तो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, थोड़ा फिटनेस प्रॉब्लम था जो उस पर वर्क कर रहे हैं और जिसकी वजह से ऐसे टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे हमने बात की। जी नाज़रीन, हम कादरिया क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद थे, आपकी मुलाकात करवाई पाकिस्तान के स्टार, पाकिस्तान ए के प्लेयर अताउल्ला से, जो कि दायरा दीन पनाह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसी ही खूबसूरत और दिलचस्प वीडियो के साथ हमेशा आपके साथ आते रहेंगे, आप हमारा चैनल ज़रूर देखते रहें। एक मरतबा फिर वॉइस ऑफ डीजी खान के साथ आपका मेज़बान आसिफ फवाद आपसे इजाज़त चाहता है।